मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ कि हमारा ये जो चैनल है, इसके माध्यम से हम आपको ऐसे बहुत सारे कलाकार से, बहुत सारे आर्टिस्ट से मिलवाने वाले हैं जो कि कला के फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनका जो टैलेंट है, वो कहीं ना कहीं छिपा होता है। हम बहुत बार देखते हैं, हम किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे मन को तो मोह लेती हैं, लेकिन उसे किसने बनाया और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आप कुछ ऐसा जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जुड़िए। तो चलिए, इसी सिलसिले में हम बहुत सारे एपिसोड्स आप तक लेके पहुंचेंगे। हमारा ये जो एपिसोड है वो है तजिंदर पाल जी के साथ, जो कि एक बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट हैं और सर का अपना एक छोटा सा एक आर्ट गैलरी है जिसका नाम है रैनबो आर्ट गैलरी, जो कि साउथ दिल्ली में घिटोरनी में है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, घिटोरनी एक बहुत ही फेमस जगह है साउथ दिल्ली में, जो कि गुड़गांव से भी कनेक्टेड है, एमबी रोड पे है। और साथ ही साथ इस जगह की खास बात है कि यहाँ बहुत सारे जो हाई इंटीरियर्स वाले हैं, बहुत सारे जो हाई क्लास फैमिलीज़ हैं, वो यहाँ रहती हैं और कला के लिए घिटोरनी को पूरे भारत में जाना जाता है। तो चलिए, आज हम रूबरू होंगे तजिंदर पाल जी से। रेनबो आर्ट गैलरी के फाउंडर हैं आप, बहुत टाइम से पेंटिंग्स बना रहे हैं। तो पहले इस वीडियो में हम आपसे जानेंगे और इसके बाद हमारा ये जो सिलसिला है बहुत सारे आर्टिस्ट के पास जाने का, वो शुरू होगा। सर, मुझे ये बताइए कि आप जो रेनबो आर्ट गैलरी चलाते हैं। पहले मैं आपका शुक्रिया करूँगा कि आप यहाँ पर मैं आए और आप बहुत अच्छा समझा मैंने आपकी, आपने इस कदर मेरे को यहाँ पर मैं अपने चैनल पे आने का मौका दिया। मैं आपका और आपके व्यूवर्स का बहुत बहुत थैंक्सफुल कि वो अपना टाइम, कीमती टाइम निकाल के इसको देखेंगे और मेरी क्रिएटिविटी को समझने की कोशिश करेंगे। जी सर, ये जो रेनबो आर्ट गैलरी है जो आप चलाते हैं घिटोरनी में, पहले तो घिटोरनी बहुत बड़ा जगह है, बहुत फेमस जगह है, ये आपने जो पेंटिंग बनाना शुरू किया है ये कब से स्टार्ट हुआ? करीबन मैं 97 से इस फील्ड में हूँ और आफ्टर कॉलेज के बाद में मैं स्टार्टिंग में यहीं पर मैं पहले फ्रीलांस करता था और धीरे धीरे मेरे को यहाँ पर मैं जब 2004 में पता लगा कि ये मार्केट बहुत अच्छा है, इस तरह से पीक है और इस तरह से काम हो रहा है, तो कुछ मैंने स्टार्टिंग में छोटा सा एक स्टूडियो लेके यहाँ से स्टार्ट किया था, बट धीरे धीरे ये गैलरी का रूप हो गया और आज बड़ा फेमस है यहाँ पर मैं और हर लोग मेरे को बड़े अच्छे से इजी से यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लेता है और मेरे पास बहुत अच्छे कस्टमर्स हैं जो लोग मेरे को सीधा यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लेते हैं तो मिल जाते हैं। जी हाँ, हमने आपके काम को देखा है, बहुत सराहा है हमने आपका काम को। और ये पेंटिंग्स जो है वो केवल दिल्ली की बात न करें, दिल्ली के बाहर और इंडिया के बाहर भी आपकी पेंटिंग्स जाती हैं, लोग बहुत पसंद करते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानना चाहेंगे, हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे कि ये जो पेंटिंग्स बनती हैं कैसे बनती हैं, किस तरह के पेंटिंग्स होती हैं, कुछ मोटा मोटा जो ओवरव्यू है एक बार वो हमें बताएं और हमारे दर्शकों को। देखिए, पेंटिंग बनाने का ये मेन पर्पस, मेन चीज़ें हैं इसके अंदर में, मैक्सिमम पेंटिंग जो होती हैं वो कैनवस पर बनती हैं, पेपर पर बनती हैं, लेकिन आज की डेट में क्या है कि लोग ज़्यादातर कैनवस पेंटिंग ज़्यादा पसंद करते हैं, पेपर की पेंटिंग्स को कौन इतना कैरी करना इतना आसान नहीं होता, तो लोग कैनवस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और ये दो से तीन तरह के जैसे कैनवस हैं, जैसे पहले लोग करते थे कि ऑयल पेंटिंग के अंदर काम करते थे, तो ऑयल पेंटिंग का जो प्रोसेस है थोड़ा सा लंबा होता है और टाइम टेकिंग होता है, इसके अंदर में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन आजकल जो नया टेक्निक है, नई टेक्निक से जैसे एक्रेलिक कलर है, बहुत अच्छे कलर्स हैं और बड़ी जल्दी सूख जाते हैं, रिजल्ट तुरंत आ जाता है। तो दो तीन तरह से कैनवस के ऊपर पेंटिंग बनती है, चारकोल से भी पेंटिंग बनती है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट मीडियम देखेंगे, आप जैसे इस पेंटिंग के अंदर में मान के चलो कि इसके अंदर में एक्रेलिक कलर लगाया हुआ है, तो एक्रेलिक कलर से क्या है कि तुरंत आपको रिजल्ट आया था, चीज़ें अच्छी बनती हैं और आर्टिस्ट के मनपसंद की बहुत अच्छी चीज़ फास्ट मूवमेंट पे हो जाता है इसके अंदर। जी हाँ, हम देखते हैं पेंटिंग्स बहुत तरह की होती हैं और आप अगर खुद के दर्शक हों, बिकॉज आप क्रिएटिविटी करते हैं, आप ड्राइंग्स बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, आप अगर दर्शक हैं तो आपको किस तरह की पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है? देखिए, पेंटिंग के बारे में इस तरह से कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पेंटिंग तो पेंटिंग है, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग का आज की डेट में बड़ा ट्रेंडी है और लोग बड़ा पसंद करते हैं इसके अंदर में, क्योंकि लोगों के मॉडर्न हाउस है, मॉडर्न हाउस के अंदर में आज की डेट में हर कॉन्सेप्ट के अंदर में आपको एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग सूट करती है, चाहे ऑफिस है, चाहे आपके घर है, चाहे कॉरपोरेट ऑफिस बनाए हैं, चाहे बैंक्स हैं, बैंकेट हॉल्स हैं, और कहीं भी ईजिली सूट कर जाती है ये, क्योंकि इंटीरियर्स बड़ा मॉडर्न है तो लोग बड़ा पसंद करते हैं। इवन मैंने देखा कई जगह जो चारकोल के ड्राइंग्स लगाई होती लोगों ने और बड़े बड़े विदाउट फ्रेम की बड़ी बड़ी पेंटिंग्स है, दीवार वॉल टू वॉल पेंटिंग करवाते हैं लोग, तो पेंटिंग की कोई लिमिट नहीं, पेंटिंग तो बहुत अच्छी है, सभी तरह की पेंटिंग आर्टवर्क अच्छे लगते हैं हमारे को, ऐसी बात नहीं।
जी हाँ, आपने जो एग्जांपल्स दिया कॉरपोरेट हाउसेज के साथ साथ, आज हम देखते हैं वॉशरूम तक में पेंटिंग्स लगी होती हैं। हम जब फाइव स्टार होटल्स की बात करें या फिर कोई रेस्टोरेंट की बात कर लें, और आजकल छोटे मोटे जो चाय वाले ढाबा भी हैं वो भी पेंटिंग्स रखना उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कितना डिमांड इस चीज़ का है। दर्शक बहुत ही पसंद करते हैं क्योंकि एक लाइव चीज़ जो है उनकी आंखों के सामने दिखती है। एक ड्राइंग जो है, एक पिक्चर जो है, वो बहुत कुछ कहता है जो वर्ड्स नहीं कह पाते। तो तजिंदर पाल जी, मुझे ये बात बताइए, अब हालांकि आपने काम बहुत किया है, 18 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, एक्सपीरियंस होता है, इस पूरे एक्सपीरियंस में आप ये जो कॉन्सेप्ट उठाते हैं, तो क्या कस्टमर आपको बोलता है ऐसी पेंटिंग्स बनाइए, या आपके माइंड में कोई थॉट आता है, कोई जगह आप देखते हैं कि मुझे ऐसा कुछ ड्राइंग बनाना है, कहाँ से आइडिया लाते हैं आप ये? देखिए, पहले तो ये आपके दिमाग में रहता है कि आपको करना क्या है, और जब तक आप उसको ड्रॉ नहीं कर पाएंगे तब तक सामने वाले को आपकी क्रिएटिविटी के बारे में पता लगेगा। सेकंड थिंग ये होती है, कस्टमर के माइंड में क्या चल रहा है वो रीड करना बहुत ज़रूरी है आपको। जब तक आप कस्टमर के हिसाब से नहीं कराएंगे तब तक आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। आपको दोनों चीज़ करनी पड़ती है। आपको स्टार्टिंग के अंदर में अपने कुछ आइडियाज़ देने पड़ते हैं। कस्टमर भी है, कस्टमर की सबसे पहले चॉइस भी पूछनी पड़ती है, देखना पड़ता है कस्टमर की लाइकिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करते हैं। कई बार तो हमारे को इतना होता है, स्टीक होता है कि कस्टमर को ये पता ट्रेंडिंग काम है मेरा, इस तरह से ट्रेंडिंग काम निकलता है तो मैं उस सीरीज़ पे काम करता जरूर हूँ। उससे क्या होता है, कस्टमर को रेडीमेड चीज़ मिल जाती है और उसको तुरंत एक आइटम हाथ में मिल जाती है, उससे बड़ा सेटिस्फेक्शन कस्टमर को भी होता है और हमारे को भी एक अच्छा बूम मिलता है कि हमारे दिमाग में होता है कि हमने बहुत अच्छा काम करा, तो हमारे को एक आगे से चीज़ें मिलती हैं कि हम और भी अच्छा काम करके दें कस्टमर को। जी हाँ, अगर आपको कोई भी पेंटिंग्स चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी पेंटिंग्स आप ऑर्डर करना चाहते हैं या फिर आप डायरेक्टली सर से कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो रेनबो आर्ट गैलरी घिटोरनी में आप विजिट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली सर से आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको पेंटिंग्स डिलीवर, आई थिंक आप डिलीवर भी करते हैं बहुत सारे हिस्सों में। देखिए, डिलीवरी के जो होती है कि पेंटिंग बनने के बाद में डिलीवरी कर जाता है, कई बार तो कस्टमर क्या होता है डायरेक्टली यहाँ से आके लेके चला जाता है, लेकिन बहुत बार होता है दिल्ली से बाहर के कस्टमर्स हैं वो डिलीवरी के लिए मांगते हैं, तो हम कुरियर भी करवा देते हैं उसको, और कुरियर जो 250-300 किलोमीटर का एरिया है यहाँ पर मैं, उसको नेक्स्ट डे में उनके हाथ में आ जा चुकी है थी, मतलब एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे, और बॉम्बे हो गया, महाराष्ट्र हो गया, थोड़ा 2-3 दिन का टाइम वहाँ पर पहुँचते लग जाता है डिलीवरी का। ओके, फाइन। तो अगर आपको कोई पेंटिंग्स पसंद आती है आप यहाँ विजिट कर सकते हैं या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पेंटिंग्स हूबहू आपके घरों तक पहुँच जाएगी। तो चलिए, हालांकि हमने बात कर ली पेंटिंग्स के बारे में, अब जरा देखें आपका जो आर्टवर्क है, आपकी जो क्रिएटिविटी है जो आपने कर रखा है इतने सालों से, जो आपने क्राफ्ट कर रखा है इस रेनबो आर्ट गैलरी को, उसमें एक बार हम रूबरू होंगे। चलिए, इसकी हमने बात कर ली, फिर हम इस पेंटिंग की बात करते हैं। बड़ा ही मनमोहक है, और ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्या सोच के आपने इसे बनाया है? ये देखिए, मेरे एक आर्टिस्ट हैं जितेंद्र कुमार तवर करके हैं, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, और इन्होंने बड़ा अच्छा क्रिएटिविटी किया है इसके अंदर में, और ये पूरा इस सीरीज़ में ही काम करते हैं। इसके अंदर पेंटिंग है जो वो एक लव बर्ड का है, और इसके अंदर में ह्यूमन जो है बर्ड के साथ रिलेट कर रहा है। आप देखेंगे इसके अंदर में एक चीज़ कि इसमें जो ह्यूमन फीमेल है जो वो सामने एकदम क्लियरली दिख रहे हैं, बट मेल का जो पार्ट है वो आपको हल्का सा शेडो के अंदर दिखेगा, और सेम पार्ट आपको वहाँ पर में बर्ड के अंदर दिखता है कि एक फीमेल के बैक साइड में देखेंगे आप, उसमें हल्का सा शेडो वहाँ पर फेल है, तो ये दोनों को इंटरेक्ट कर रहा है और दोनों को एक लव के तरह इंटरेक्शन कर रहा है। तो ये चीज़ उसने थीम से रख के काफ़ी पेंटिंग, काफ़ी सीरीज पे काम किया है और बहुत अच्छा काम करते हैं ये वाले। और आगे जो है वो देखिए, उमेश प्रसाद जी का है, वो भी लव के ऊपर थीम से, क्योंकि आजकल लोग ना अपने घरों के अंदर में इस तरह मेल फीमेल के कॉन्सेप्ट लगाते हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए, लोग वास्तु के हिसाब से इस तरह पेंटिंग बहुत पसंद करते हैं, तो लोगों के कॉन्सेप्ट को इस तरह रख के हमने कुछ पेंटिंग्स जो आर्टिस्ट है खुद से पहले से तैयार करता है, बाद में कुछ कस्टमर की अलग से कुछ डिमांड होती है तो वो भी कस्टमाइज हो जाता है उसका रहता है। जी हाँ, मूव करते हैं, इस तरह के पेंटिंग्स आपने ये भी बना रखा है, ये थोड़ा स्केची ज़रूर है लेकिन अगर देखें कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा इम्प्रेसिव ज़रूर है, मुझे इसके बारे में बताइए सर। हाँ देखिए, ये बहुत अच्छी पेंटिंग है, इस सीरीज पे बहुत अच्छा काम होता है। यहाँ पर मैं राजस्थानी आर्टवर्क है, जो फोक आर्ट है वो बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तो आज की डेट के अंदर में अगर राजस्थानी पेंटिंग की बात करें तो लोग कॉर्नर बहुत पसंद करते हैं इसके अंदर में, और ये मेरे केशव कुमार करके हैं एक आर्टिस्ट, उनकी पेंटिंग्स हैं वो रेगुलर डिमांड में रहती हैं, और काफ़ी पेंटिंग्स बड़े छोटे साइज में मेरे पास में अवेलेबल मिल जाती है आपको। अच्छा, मतलब राजस्थानी और इस तरह से और भी स्टेट्स की पेंटिंग्स आपके पास मिलेंगी क्या?
देखिए हाँ, सभी तरह के, जिस तरह से वो राजस्थानी के क्या होते हैं कलरफुल थोड़ी सी पेंटिंग्स हैं, तो राजस्थानी का थोड़ा कल्चर अलग है, और मधुबनी पेंटिंग्स है वो भी मिल जाती मेरे यहाँ पर में जो भी होता है। और जिस तरह से ये गणेशा पे पेंटिंग्स हैं या शिवलिंग पे या शिव पे पेंटिंग्स हैं, तो ये चीज़ रहती है। जी हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो रिलीजियस पेंटिंग्स पसंद करते हैं, जैसे आपने गणेश जी का बनाया है, वैसे ही कृष्ण भगवान का फोटो है, राधा कृष्ण का फोटो है, इस तरह के पेंटिंग्स हम बहुत पसंद करते हैं लोगों जो हैं। हाँ देखिए, रिलीजियस पेंटिंग जो है बहुत सारे लोग हैं ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी रेगुलर डिमांड बनी रहती है। तो हम लोग कई बार रिपीटेडली ऑर्डर भी आता है एक ही पेंटिंग का, तो हम क्या कहते हैं उसके अंदर थोड़ा ट्रैक चेंज कर देते हैं, एक ही आर्टिस्ट के डिफरेंट डिफरेंट काम पसंद करते हैं। मेरे पास में रिलीज पेंटिंग के फिर काफ़ी सारे गॉड्स पे, बुद्धास पे, कृष्णा पे, और जैसे राम दरबार हो गया, इस तरह की पेंटिंग्स लोग बनवाते रहते हैं मेरे से अक्सर में, क्योंकि घरों के अंदर में आजकल डिमांड इस तरह की होती है कि लोग एंट्रेंस में, मंदिर में, या अपने कहीं पर में एक ऐसे एरिया में जहाँ पर में पूजा वूजा करते हैं, तो वहाँ पर वो लगाने के लिए हमारे से पेंटिंग्स वगैरह लेते रहते हैं इस तरह की, वो भी हमारे बनाते रहते हैं। जी हाँ, मूव ऑन करते हैं हम और पेंटिंग्स के बारे में। तो ये सीनरीज वगैरह जो हैं, अक्सर बहुत पहले क्या होता है सीनरीज हम मार्केट से ख़रीदते हैं, तो क्या आप कोई माध्यम से, मतलब जो B2B होता है, क्या B2B में या फिर B2C आप किस में डील करते हैं ज़्यादातर? देखिए B2B भी हमारे पास में मिल जाता है, हमारे पास कई बार कस्टमर डायरेक्टली भी आते हैं, मैक्सिमम हमारे कस्टमर डायरेक्टली आते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, या डायरेक्ट कस्टमर जो बाइंग करने वाले थे वो ज़्यादा खुश होते हैं हमारे से लेने के लिए। B2B में भी होता है, लेकिन B2B का ट्रेंड थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, वो उनके कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, उनको एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग चाहिए होती है। हमारे पास जो होटल्स वाले आते हैं वो मैक्सिमम बल्क में लेते हैं, और उनके पास में कई बार की 100-100 पेंटिंग्स या 20-25-30-40 पेंटिंग का डिमांड रेगुलर रहती है, तो वो पूरे होटल्स के लिए ले लेते हैं हमारे से जो भी है, और डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट का हम उसको काम दे देते हैं। जी हाँ, आप अगर आप में से कोई अपना होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, तो भी आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बल्क ऑर्डर्स आप तक पहुँच जाएंगे। चलिए सर, हम और बात करते हैं, आपका जो कला है बड़ा ही निपुण है और बहुत फिनिशिंग टच जिसको बोलते हैं हम लोग, उस तरह का आप काम करते हैं। ये जो लॉर्ड बुद्धा की जो तस्वीर है, ये जो पेंटिंग है, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और क्या कौन, अच्छा ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है, कलर आप कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, ये जो पेंटिंग है ये मैंने काफ़ी सीरीज पे काफ़ी काम किया हुआ है, और ये बिल्कुल डिफरेंट है। पहले मैं टोटल एब्स्ट्रैक्ट के अंदर यूज़ करता था, बाद में एग्जाम पे विचार आया कि थोड़ा सा इसमें फिगर सिंग अलग है, क्योंकि बुद्धा जो है कलरफुल है, वो लाइफ में बेशक इस तरह से है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा एक समाज में या कह लो लोगों के अंदर में एक मैसेज दिया हुआ है कि पीस को बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। आपने कभी देखा होगा कहीं जगह पे आपने बुद्धा के फेसेस वगैरह कई घरों में, कई चीज़ों में, होटलों में देखे हुए हैं, उसी को माइंड में रख के मैंने ये डिज़ाइन किया हुआ ये वाला बुद्धा पेंटिंग के अंदर में। लोग इसको बहुत अच्छा अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, और कई बार मेरे से इस साइज़ में काफ़ी पेंटिंग्स मेरी मैं निकाल भी चुका हूँ इस तरह से ये वाले। ओके, हम आइए बात करते हैं और बहुत सारे पेंटिंग्स के बारे में। ये चीज़ क्या है सर? ये भी एक बुद्धा की पेंटिंग है, इसके अंदर जैसे साइड में देखा एक मून है, मून की छवि है, जैसे ऑरा होता है एक अपने प्रत्यात्मक, तो वो ऑरे के साथ में मैंने एक थोड़ा सा बुद्धा के फेस को लेके बनाया है, और हल्का सा आउट किया है थोड़ा सा, ताकि लोगों को हल्की सी छवि और हल्का सा उसका फेस, और उसके फेस के अंदर में एक बड़ा अच्छा सा आपको चार्मिंग सा दिखेगा, और लाइटिंग का इफेक्ट प्रॉपर दिया गया ताकि लोग इसके अंदर में एंजॉय कर सकें, और ये कहीं भी लगे तो ये अप्रिशिएशन के, काफ़ी अप्रिशिएशन इसका मेरे को मिल चुका है। तो आपकी पेंटिंग्स जो है वो खुद बहुत चीज़ें कहती है, दर्शकों को ये ज़रूर दिख रहा होगा जो वीडियो देख रहे हैं कि पेंटिंग बहुत अच्छी बनाई है आपने, और अगर आप इस तरह के पेंटिंग्स चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रेनबो आर्ट गैलरी में। साथ ही साथ अगर आप कस्टमाइज्ड ऑर्डर चाहते हैं तो वो भी चीज़ें पॉसिबल हैं। अच्छा सर, इस तरह की जो पेंटिंग्स हैं ये हालांकि स्मॉल साइज़ में है, और इसके बारे में ज़रा बताइए आप कैसे बनाते हैं? और ये बहुत अच्छा है, और लोग गिफ्ट के लिए बहुत ख़रीदते हैं ये वाली चीज़ें, ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। ये थोड़ा सा कलरफुल, इसको आप पेंसिल ड्राइंग कहते हैं, और ये मेरा इसके अंदर डिफरेंट टाइप के सीरीज़ हैं, जैसे बुल की सीरीज़ हैं या बच्चों की सीरीज़ है। इस तरह की पेंटिंग आपको मार्केट में इजीली मिलती नहीं है, और लोग इसे बड़ा खरीद के बड़ा पसंद करते हैं, मतलब बिल्कुल डिफरेंट टाइप का, जैसे उन्होंने अपना कोई बचपन ऐसे बिताया हो किसी ने, तो उसके माइंड में रखी ये चीज़ होती है कि मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, ये लाइकिंग है, ये हार्ट टचिंग है, किसी को टच कर सकता है। तो इसमें काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं, और कुछ पेंटिंग्स मेरी सेल भी हो चुकी है इसके अंदर में। तो इस तरह की सीरीज़ है, काफ़ी चीज़ों पर सीरीज़ बनाई, जैसे मैंने मॉन्यूमेंट पर इसी तरह की सीरीज़ बनाई हुई हैं, तो वो भी सीरीज़ साइज़ में मिल जाएंगी आपको।
अच्छा, एक बहुत ही बढ़िया पेंटिंग हमें दिख रही है इस जगह पे, इसकी बात करते हैं। एक तो रिलीजियस पेंटिंग्स की हमने बात करी, ये आई थिंक वाराणसी का सीन है जिसमें हम डिपिक्ट कर रहे हैं किस तरह का जो घाट होता है, गंगा घाट वगैरह, उसको आपने डिपिक्ट किया है। ये जो तस्वीर है ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ये यूरोपियन पेंटिंग है और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। देखा आपने कि इसके अंदर में बड़ा एक सीनियर आर्टिस्ट ने किसी थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस करने के लिए, मुझे अच्छा लगा इस तरह से ये चीज़ देख के, तो मैंने फिर इसको थोड़ा सा इसको लगा कि मुझे करना चाहिए थोड़ा सा काम इसके अंदर में, थोड़ा सा चेंजिंग करके मैंने इसके अंदर कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करी है। और लोग डिमांड में करते हैं, पहले मैंने किसी को बना के दी थी ये वाली पेंटिंग, तो मुझे खुद को अच्छी लगी पर्सनली, तो फिर मैंने एक और बना के यहाँ पर मैं रखी हुई। मतलब स्टोरी टेलिंग जो है वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है आपके इस कला के अंदर। आप कुछ कहने की कोशिश करते हैं, एक मैसेज देते हैं अपने पेंटिंग्स के थ्रू, और इस तरह की और बहुत सारी पेंटिंग्स जो है आप तक अवेलेबल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में हमने बात किया। और अगर आप चाहते हैं तो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं tejinderpal.com, जिस पे आपको बहुत सारे पेंटिंग्स का कलेक्शन मिलेगा। वहाँ से आप चाहें तो डायरेक्टली ऑर्डर भी कर सकते हैं या फिर आप रेनबो आर्ट गैलरी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये हमारा विजिट था आज रेनबो आर्ट गैलरी का। हमने बातें करी पेंटिंग्स के बारे में, ड्राइंग्स के बारे में, सर का एक्सपीरियंस हमने जाना किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया और आज बहुत ही बड़े स्तर पे घिटोरनी में ये काम कर रहे हैं और पेंटिंग्स बहुत अच्छे जगह पे और बहुत ही मशहूर जगह पे वो चीज़ आज पहुँच रही है। मैं कहना चाहूँगा इसके अंदर में कि अगर आपको डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट करना है तो आप डायरेक्टली मेरे वेबसाइट पर जाइए, मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना शेयर कर सकते हैं। और मैं रेगुलर नए नए आर्टिस्ट भी ढूंढता रहता हूँ और हम लोग उनको भी, नए आर्टिस्ट को भी प्रमोट करते हैं साथ साथ, सीनियर आर्टिस्ट के साथ में। और अगर किसी को कुछ अच्छा दिखता है, कुछ अच्छा डिमांड में है, तो वो मेरे को व्हाट्सअप नंबर पर मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ताकि वो मेरे से डायरेक्टली जुड़ सकें। और अगर काम की क्वालिटी की बात करते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जाके उसके काम को भी देख सकते हैं। जी हाँ, हम आपके काम को सराहते हैं और साथ ही दर्शकों ने जो आज ये वीडियो में देखा बहुत सारी चीज़ें, आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस तरह की और बहुत सारे सीरीज़ हम आप तक लेके पहुँचेंगे जिसमें हम ऐसे जो कलाकार हैं, ऐसे जो आर्टिस्ट हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे जिन तक आप यूजुअली नहीं पहुँच सकते हैं, और जो आर्टिस्ट हैं वो भी अगर चाहें तो दर्शकों से आप कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे ऐसे बहुत सारे आगे वीडियोज़ के साथ।